So, देखो भाई लोगों, ये है लोकेशन और लोकेशन का रास्ता आपको दिख ही रहा होगा। मतलब मेरे ख्याल से रोड तो नहीं है यहाँ पे, ना ही कच्चा रास्ता है, बिल्कुल पथरीला रास्ता है। अरे एक बार मैं मैप भी लगा लूँ यार, मुझे याद नहीं यार कहाँ से हम आए थे। सीधा आए थे या लेफ्ट आए थे? सीधा। भाई एक बार फिर भी मैं लगा लेता हूँ। अरे देखो कैसी लोकेशन में हम खड़े हैं रात के टाइम पे, और मैं बाहर का मैप लगाता हूँ। सो ये भी अच्छी बात है कि मैप चल रहा है हमारा। ये देखो इधर दिखाओ, ये देखो कितने बड़े बड़े रास्ते बने, एक खाई भी बनी थी। आए थे क्या से लेफ्ट? तो राइट दिखा रहे हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और लोकेशन, एक हॉन्टेड लोकेशन लेके हम आपके सामने आ गए हैं। इस जगह को बताया गया है हॉन्टेड, और ये देखो आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा दिखाओ, कैमरा करो ध्यान से आगे, थोड़ा सा ध्यान से आना। ये देखो ये पूरा का पूरा एक पॉन्ड है, और ये ऊपर क्या जा रहे हैं, एरोप्लेन जा रहे हैं। और वो देखो सामने चाँद कितना बढ़िया नज़र आ रहा है आज। क्या आवाज़ है? कोई चिड़िया है। पीछे करना, पीछे करना। सो ये देखो पूरा का पूरा जंगल है यहाँ पे, और यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर एक हाईवे है। यार कुछ कुछ आवाज़ें तो आ रही हैं, हो सकता है पानी में जानवर हो, उनकी आवाज़ें आ रही हो। चलो पीछे बोर्ड लगा था पैंथर, लेपर्ड और सांप वगैरह का। हाँ वो देखा था रास्ते में ना। तो मतलब ये पूरा जंगल का एरिया है, और ये एक पॉन्ड है हॉन्टेड, जिसको बताया गया है कि भाई यहाँ पे बहुत सारी लाशें बह के आती थी। थोड़ा सा मेरे को एक बार दो लाइट, दो लाइट कैमरा। सो ये आप देख सकते हैं, देखो बहुत ही गंदा हो चुका है ये, और इसको साफ करने कौन आएगा, इसलिए ऐसा है। देखो पूरा पॉन्ड है ये बहुत दूर तक। तो यार यहाँ की स्टोरी ये है कि ये जो पॉन्ड है ना, इसमें काफ़ी लाशें फेंकी गई थी, और मर्डर्स काफ़ी हुए हैं इस एरिया में, क्योंकि देख सकते हो आप, ये देखो जंगल है चारों तरफ, और यहाँ पे ये सब कांड हुए हुए हैं। तो हम अपनी सेफ्टी साथ में लेके आए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो लोकेशंस दिखानी होती है वो हम दिखाने के लिए आए हैं। सो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर हमें ये कुछ अवशेष मिले हैं चप्पलों के, और एक छोटी चप्पल मिली है जो कि है एक बच्चे की। तो पता नहीं यहाँ पे क्या केसेस हुए हैं, क्या यहाँ पे मर्डर्स और मिस्ट्रीज हैं यहाँ की। तो ये बताया गया है कि यहाँ पे ये लोकेशन है बहुत हॉन्टेड, और रात में तो मेरे ख्याल से कोई आता भी नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन इसके आसपास जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 किलोमीटर दूर एक हाईवे है, उस हाईवे पे कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कि बच्चे भी देखे गए हैं रात में। तो यार EMF मीटर मैं आज इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि पानी के पास में EMF मीटर वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्लिंक होता है, पानी के पास EMF की कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। आज हम करेंगे दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन,
आज हम उनसे बात करेंगे यहाँ पे उसी पॉन्ड के पास में। लाइट थोड़ी सी डिम कर दे भाई। सो उस पॉन्ड के पास खड़े हैं आप, आवाज़ें सुन सकते हैं कितनी डेंजरस ये लोकेशन है, और हम सिर्फ दो बंदे आए हुए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। बंद कर देना इसमें, आ जाएगा ना? आ रहा है इसमें, आ रहा है। लाइट में वो सबसे कम पे करने थे ताकि एक बस। ठीक है ठीक है, इमरजेंसी में चलानी हो तो कोई तो थोड़ा यहाँ पे। ठीक है ठीक। सो यहाँ की जो कहानी है कि इस पॉन्ड में काफी लाशें बहाई गई हैं, तो क्या यहाँ पे कोई भी आत्मा मौजूद है? अगर कोई भी स्पिरिट यहाँ पे मौजूद है तो वो अपना प्रेजेंस हमें दिखा सकती है। यहाँ पे कितने स्पिरिट्स मौजूद हैं? क्या बोला? 10 10 10 10 दो बार आया ना 10? हाँ 10 फिर 10 फिर से 10। क्या यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है? नो। जो यहाँ पे चप्पलें पड़ी है बच्चों की और बड़े लोगों की, क्या कोई स्पिरिट यहाँ पे मौजूद है? हम यहाँ सिर्फ ये जानने आए कि क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट मौजूद है। ये बच्चे की आवाज़ है ना? हाँ, एक बच्चे की आवाज़ है। यहाँ पे कितने स्पिरिट्स हैं? 10 फिर से 10। यहाँ पे कितनी आत्माएं मौजूद हैं? 10 भाई, 10 आया ना? यहाँ पे 10 लोगों की आत्माएं हैं। हम सिर्फ यहाँ पे जानने आए कि क्या यहाँ पे कोई आत्मा मौजूद है। बोले हाँ हाँ। आप लोग कितने हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं यहाँ पे? टेन फिर से पीछे 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 करना, पीछे करना भाई। कुछ दिखा यार मुझे लाइट, एक बार लाइट बढ़ाना, लाइट बढ़ाना ही वाली। हम आपको यहाँ पे कोई हार्म पहुँचाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि क्या आप यहाँ पे मौजूद हो। क्या कुछ क्लियर नहीं था ना? क्या आप अपनी प्रेजेंस, क्या आप अपनी मौजूदगी हमें दिखा सकते हैं किसी और तरीके से? ये क्या था? कुछ अजीब ही था यार। आपने जैसा अभी बताया कि 10 आत्माएं यहाँ पे मौजूद है, तो कोई एक हमें आके कुछ अपनी मौजूदगी दिखा सकता है? नो नो नो।
हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं यहाँ पे। अच्छा आप बता सकते हैं हम यहाँ पे कितने कितने लोग हैं यहाँ पे? हम टू दो बोला। क्या आप हमारा नाम बता सकते हैं? क्या बोला? बोला कुछ। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? नो नेम। क्लियर नहीं था। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? नो नो नो। क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? नो no. समझ नहीं आ रहा। एक बार इसको प्लेन को जाने देते हैं। क्या आवाज है? क्या आवाज है? करना लाइट करना एक बार लाइट। कोई सांप वाप तो नहीं है? कम करना लाइट। क्या आप चाहते हैं हम यहां से चले जाएं? हाँ नो हाँ। दोबारा से हाँ आया? दो बार हाँ आया ना? एक बार हाँ आया, दो बार नो, एक बार ना आया। नो। क्या आप हमें कुछ हानि पहुंचाएंगे? कोई हार्म हमें करना चाह रहे हैं आप? No. नहीं वो क्लियर नहीं था वो। लाइट उड़ा। सो गाइस काफ़ी बारी यहाँ पे इस ऐप पे नेक्रोफोनिक पे काफ़ी बारी रिप्लाई आया है कि यहाँ पे 10 लोगों की आत्माएं मौजूद हैं। तो पता नहीं यार कितनी बार आया था, हमने सामने सुना है मतलब 10 10 10 10, और बाकी कुछ मतलब रिवील करना नहीं चाह रहे हैं ये लोग। बाकी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन जो इस पे आया है कुछ आवाज़ है ना। अच्छा नहीं माइंड रखिए। तो यार जवाब ये भी आया है काफ़ी बारी कि ये लोग हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं उससे। हो सकता है वो हमसे बात नहीं करना चाहते, वो अपने पीस में हो अभी यहाँ पे इस लोकेशन पे। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस लोकेशन को यार क्या है यार वहाँ पे, एक बार करना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वैम्स आ रहा है कि कुछ उस तरफ पर मुझे भी हल्का सा कुछ दिखा था, है ना? हाँ मतलब एक बार जब स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, तब तो मुझे बिल्कुल लगा ही कोई पीछे खड़ा है तेरे। जब तूने ऐप में पूछा था ना कि आप हमें कुछ करके दिखाओ अपने होने की मौजूदगी, तब मेरे को उस तरफ कुछ दिखा था, उसी तरफ ना हल्का सा कुछ था। तो आप लोग अगर चाहते हैं यहाँ पे री इन्वेस्टिगेट किया जाए, हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और ये लोकेशन है बहुत ख़तरनाक, और हमारी गाड़ी खड़ी है बहुत दूर, और अभी हम आए हैं इस लोकेशन पे, इस पॉन्ड पे आप लोगों को दिखाने के लिए। और जैसा कि आपने देखा ही है कि सब में ये भी रिप्लाईज आए हैं, बहुत बढ़िया रिप्लाई आए हैं। तो यार हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको, थोड़ा चलते हैं बाहर की साइड, चलते हैं गाड़ी के पास चलते हैं। अरे एक बार लोकेशन दिखाओ यार साथ में, लाइट फुल कर दो, लाओ मेरे को देखो कैमरा। लाइट फुल फुल नहीं है? लाइट लाइट फुल नहीं। ये देखो ये एक और है, ये मेरे ख्याल से उसी का पार्ट है। ये देखो पूरा का पूरा एक तालाब है, वहाँ पे हम खड़े थे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो आपको मैं रास्ता दिखा देता हूँ एक बार,
कि किस रास्ते से हम आए हैं। और यहाँ पे फॉग भी हो रही है यार, पानी वाला एरिया ना। और ये देखो ये एक और है, लेकिन ये सूख चुका है अभी मेरे ख्याल से, पहले यहाँ पे पानी भरा हुआ था। इसके वो क्या उड़ गया? उस हिस्से में पानी है, उस हिस्से में, उधर की तरफ दूसरी साइड। हाँ वो सामने दिख रहा है। हाँ ये देखो यहाँ से भी एक बार दिखा देते हैं, मतलब लोकेशन काफ़ी ख़तरनाक लग रही है, ये देखने से ही लग रही है। कहाँ से आए थे भाई? तो यही था यार, यही था। हाँ यही था, ऐसे ही कुछ था। ये तो था नहीं रास्ते में है, तब इसमें डाल रखा था रास्ते पे, ऐसे तो कोई नहीं डाल गया था रास्ते में काट के। और ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है देखना। हाँ फ्रेश काटा है, अभी डाला है, अभी तक किसी ने डाला था। किस पेड़ का है ये? यहाँ तो सूखा पेड़ है बिल्कुल। और ये ऐसा पेड़ तो यहाँ पे है भी नहीं, अगल बगल में ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं। आजा भाई आजा दिनेश। हम यहीं से आए थे क्या? मुझे तो रास्ता भी याद नहीं आ रहा। ये इधर क्या है? इधर भी खाई जैसा कुछ लग रहा है मुझे, पानी भरा हुआ है यहाँ पे भी। सो गाइस देखो लोकेशन, देखो कैसी कैसी लोकेशंस पे हम आते हैं आप लोगों के लिए। यही था गया रास्ता शायद। मैं गाड़ी भी 2 किलोमीटर दूर खड़ी है, रास्ता देखती यार। वो यार गाड़ी का वो भी नहीं सुनेगा ना अभी। भाई मुझे लग रहा है रास्ता भटक गए हम, गलत रास्ते पे आ गए यार, भटक गए भाई रास्ता। अभी क्या करें? इधर इधर किस चीज़ की आवाज़ आई नहीं कुछ? हाँ। तो गाइस यहाँ पे हो सकता है जानवर भी मौजूद हो भाई, वो पैंथर वैंथर जो था, वो लेपर्ड वगैरह। सो फाइनली गाइस हमें गाड़ी मिल गई है अपनी, मेरे ख्याल से हम रास्ता भटक गए थे। और ये देखो भाई जंगलों के बीच में हम चल रहे हैं और सामने हमें गाड़ी दिख रही है अभी, इसके बजर को बजाते हुए हम आए हैं। और ज़्यादा हो गया भाई, हाँ फटाफट आया यार, जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी पीछे से। सो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लास्ट टाइम हम आए थे इसी लोकेशन को शूट करने के लिए और यहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी थी। तो देखो मतलब हमारी गाड़ी जहाँ पे फंसी थी उसके बाद में कोई भी नहीं आया यहाँ पे। ये देखो यहाँ से जो गाड़ी के टायर के मार्क्स हैं वो देखो अभी तक हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई थी। अरे ये देखो एक बड़ी सी अड्डी, उस टाइम नहीं थी मेरे ख्याल से, ये उस टाइम नहीं थी भाई, ये वाली नहीं थी ना, उस टाइम ये होती तो अपनी गाड़ी के नीचे आकर चकनाचूर हो गई होती। तो हो सकता है यहाँ पे जंगलों में जानवर भी हो। और ये देखो गाड़ी हम कहाँ लेके आए हैं, बिल्कुल जंगलों के अंदर। सो गाइस ये होती है लोकेशंस, और लोकेशंस पे विजिट करने का तरीका आपको दिखाई दिया हमने। गाड़ी हम लेके आ चुके हैं जंगलों के बीच में और 1.5 से 2 घंटे, मेरे ख्याल से यार 2 से ज़्यादा हो गया होगा हमें, 2 से ज़्यादा हो गया। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि हमारे पास ना तो बैटरी है इसमें, लाइट में ना बैटरी है ना फ़ोन में ज़्यादा बैटरी है, इसलिए मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया था। और छोटी सी एक टॉर्च है उससे हम रास्ता ढूंढ के आए हैं, गाड़ी के बज़र बजाते बजाते यहाँ तक पहुँचे हैं, तब जाके हमें मिली है 2 घंटे जंगल के अंदर रात के टाइम पे 2 बजे रात के। और सिर्फ आप लोगों के लिए लोकेशंस ऐसे लाते हैं। और आप लोगों को भाई अब ये काम करना है, देखो शेयर करो यार वीडियोस को। और मैं एक चीज़ देख रहा था कि सब्सक्राइबर रेट बहुत कम है, मतलब आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ऐसे ही लोकेशंस आती रहेंगी
बेल आइकन प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की, और यही सब काम करना है आपको। कुछ आवाज़ आई ना पीछे? कुछ तो है। ये इधर जो हाईवे में बता रहा था, 2 किलोमीटर दूर हाईवे है, तो अभी हम जाते जाते आपको रास्ता दिखाते हैं सारा, कैसा रास्ता है, किस रास्ते पे हम आए हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। देखो हमारे ये होती है मेहनत, जंगल के अंदर आना रात के टाइम पे, ऐसी ख़तरनाक जगह पे आना बिल्कुल भी इजी नहीं है। और ये आपको लोकेशन मैंने दिखाई दी है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस पर अगर आप लोग चाहते हो ये इन्वेस्टिगेट करें तो कमेंट से भर दो इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।